हम पकड़ेंगे चोर को। कौन है वहाँ पर? अरे नहीं, क्या तुम्हें पता है वो रात में आता है? क्या कहा, कहीं वो कोई भूत तो नहीं है? अरे नहीं मिसेज नुहारा, इतनी ठंड में भूत नहीं आते हैं। अच्छा समझ गई, जब गर्मी पड़ती है तभी वो आते हैं, है ना? हाँ, और वो लाइट कपड़े पहनते हैं। हाँ, सफेद चादर ओढ़ कर आते हैं। लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? वो सिर्फ कपड़ों की चोरी करता है और आजकल वो इसी एरिया में खूब चोरी कर रहा है। हाँ, और पता है कल भी उसने यहीं पास में रहने वाली एक फैमिली के कपड़े चुरा लिए। ये तो बहुत बुरी बात है। अरे नहीं, मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। खैर, सावधानी तो अब हमें रखनी ही पड़ेगी, वो चोर कहीं भी चोरी कर सकता है। हाँ, हो सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, कपड़े कौन चोरी करेगा? पता नहीं आजकल लोग क्या क्या करने लगे हैं। किसी ने सच ही कहा है, जमाना बहुत खराब है। मैं आ गई। मेरे कपड़े कहाँ गए? यही पर तो थे। लगता है उसी चोर ने चुराए होंगे। उम्मीद है बाकी चीजें ठीक होंगी। कहीं वो शिनचैन को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद है शिनचैन ठीक होगा। शिनचैन, शिनचैन, ये लड़का भी ना। मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि मेरे कपड़ों के साथ मत खेला करो शिनचैन। मैं तो डर गई थी कि कहीं मेरे कपड़े चोरी तो नहीं हो गए। आपके होते हुए हमारे घर में चोरी कौन करेगा माम? वही चोर जो कपड़े चुराता है, और कौन? बेटा, वो बच्चों के कपड़े नहीं चुराता, उसे तो बड़ों के कपड़े चुराने का शौक है, समझे? ओह, फिर मॉम वो उन कपड़ों के साथ करता क्या है? अच्छा तो ये बताइए, क्या इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों के कपड़े चुरा कर पहनते हैं? लेकिन तुम ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचना। लेकिन मुझे इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि वो चोर मेरे कपड़े ना चुरा ले। अच्छा शिनचैन बेटा, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? आप उन्हें सुखाओ मत, गीले ही पहन लो। चुप रहो शिनचैन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गीले कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? मुझे अपने कपड़ों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, मिल गया। शिनचैन मेरी मदद तो करो बेटा। मेरे हाथ दुख रहे हैं। तुम्हारे पास हमेशा काम ना करने के 100 बहाने होते हैं। मैंने सिंगिंग रोप बनाने का फैसला किया है। मैं इसमें खाली कैंस को लगाकर गार्डन में बांध दूंगी। जब चोरी से टकराएगा तो शोर होगा और हमें मालूम चल जाएगा कि कोई चोर है। अरे वाह, क्या आइडिया है। तो चलो खाली कैंस लगाने में मेरी मदद करो। अरे ओ नहीं, मैंने तो सारे खाली कैंस फेंक दिए हैं, अब क्या करूँगी? मेरे पास खाली कैंस पाने का एक तरीका है मॉम, बताऊँ? हाँ बताओ। वाकई बहुत टेस्टी है। इतना सब कुछ एक साथ खाना ठीक नहीं है बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। अगर इन्हें जल्दी खत्म नहीं किया तो ये खराब हो जाएंगे। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि चोर को पकड़ने के लिए मुझे नई कैंस को खाली करना पड़ेगा। अब क्या होगा? मॉम प्लीज, जरा ऐसे भी खोल दो ना। बिल्कुल नहीं, ये मेहमानों के लिए रखा है, इसे तुम बिल्कुल नहीं खा सकते, समझे? अच्छा ठीक है। देखो शीरो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कैन ठीक लगती है, ये बाकी कैन से काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है। अगर किसी अनजान इंसान के आने पर शीरो भौंकता तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं होती। अरे पसीना पहुँचो, बुरा मत मानो। आओ शिनचैन, मेरी मदद करो। ओके। चलो ये तो हो गया। शिनचैन, अब तुम दूसरी तरफ जाओ और रस्सी के दूसरे सिरे को उस पेड़ से बांध दो। मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। खींचने से पहले जरा देख लो कि रस्सी कहाँ पर लगी हुई है। चलो काम हो गया। अरे आज तो दोस्तों ने मिलकर जूस के 12 गिलास पिला दिए, अब क्या करूँगा? आज फिर से मित्सी मुझ पर गुस्सा करेगी, नाराज होगी। अरे धुले हुए कपड़े बाहर ही अभी तक? कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ तो मैं ही इन्हें अंदर ले जाता हूँ। अरे ये क्या चीज है, जरूर ये शिनचैन ने ही किया होगा, पता नहीं ये लड़का। मॉम मुझे लगता है चोर आ गया है। पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे पुलिस आ गई, क्या हो गया यहाँ? तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आए थे।
ढंग से खड़े रहो। अरे आप बात मानिए मेरी, मैं चोर नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास इसका सबूत है? अरे मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगा? तो तुम कर क्या रहे थे? मैं घर से ऑफिस जा रहा था, ऑफिस से घर आ रहा था। चुप रहो, तुम गिरफ्तार कर लिए गए हो। चलो आखिरकार चोर पकड़ा गया। ये पुलिस कितनी अच्छी होती है, उन्होंने डैड जैसे दिखने वाले चोर को पकड़ लिया। शीरो, अरे रुक जाओ, छोड़ो मुझे। बेटा मुझे लगता है ये आवाज डैड की थी। वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दोबारा ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ, ठीक है? ये तुमने क्यों किया मुझसे? फिक्र मत कीजिए हैरी, अब आप बहुत फेमस हो जाएंगे। अरे मेरे मॉम डैड भी ना कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं।